ग्राम पंचायत नालटी के वार्ड नंबर 1 में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब द्वारा परिवारों को उनके बुजुर्गों के द्वारा अपने घर आंगन में फलदार पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ में उनको फलदार पौधे वितरित किए गए। ग्राम वासियों ने क्लब के इस मिशन की तारीफ करते हुए क्लब के सदस्यों का धन्यवाद किया और उन्होंने याद करते हुए क्लब द्वारा लॉकडाउन में वार्ड की 2 बार सैनिटाइज करने का भी धन्यवाद किया। इस मौके पर बीडीसी सदस्य अश्विनी शर्मा और वार्ड पंच बड़वाड़ ने क्लब की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस कार्य के पीछे जो उनकी सोच है कि अपने बुजुर्गों के हाथों पौधा लगवा कर आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके आशीर्वाद के रूप में जब ये पौधे फल देंगे और आने वाली पीढ़ियां इनका मजा लेगी और ये भंडारा आने वाले वर्षों तक चला रहेगा और वे हमारे बुजुर्गों को हमेशा याद दिलाता रहेगा। ये बहुत ही दूरदर्शी और पवित्र सोच है। मौके पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी उपस्थित रहे। साथ में क्लब के पदाधिकारी कैप्टन बलदेव शर्मा, अश्विनी कुमार, धर्मेश राणा, संजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। ग्राम की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। हिमाचल की सड़कों पर अब लावारिस छोड़े गए पशु नहीं दिखेंगे। इसके लिए गौ सेवा आयोग ने सरकार के निर्देश पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गौ सेवा आयोग की टीम इन दिनों फील्ड में निकलकर वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने अपनी टीम के साथ ऊपरी शिमला के विभिन्न गौशालाओं का दौरा कर उनसे फीडबैक लिया। उन्होंने शिमला जिला के रामपुर के समीप नोगली में गीता महिमा गौशाला का निरीक्षण करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर लावारिस छोड़े गए पशु सड़कों पर न दिखें, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, जहां भूमि हस्तांतरण संबंधी अड़चने गौशालाओं को आ रही हैं, वहां गौ सेवा आयोग की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को इसमें सहयोग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग से पंजीकृत गौशालाओं को सरकार की ओर से 500 रुपए प्रति पशु प्रति माह सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरमौर, सोलन, ऊना और हमीरपुर जिले में 4 गौ अभ्यारण बनकर तैयार हो गए हैं, जहां 2000 पशु रखे जाएंगे, जबकि कांगड़ा में 5 और चंबा में 1 का जल्द निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित किया है, सड़कों पर लावारिस छोड़े गए पशु जल्द गौशालाओं में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन गौशालाओं के पास पशुपालन विभाग या अपनी भूमि है, वहां मनरेगा के तहत गौशालाओं के बस्तर के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो गौशालाएं गौ सेवा आयोग से पंजीकृत है, उन्हें प्रति पशु 500 रुपए प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों से इस तरह के कार्यों से सहयोग की अपील है। जिला मुख्यालय के नादौन चौक से बस अड्डे तक बने फुटपाथ पर लगे कुछ स्लैब टूट गए थे, जिसकी वजह से आए दिन यहां पर कोई ना कोई घटना घटित होती रहती थी और राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसको लेकर लोगों ने प्रशासन से इसको ठीक करने की मांग की थी, जिसको एसटुडे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन द्वारा अब जहां भी फुटपाथ पर स्लैब नहीं थे, वहां पर स्लैब लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग भी खुश हैं, जिसके लिए लोगों ने चैनल का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि सड़क पर अधिक व्यस्तता होने से लोगों को चलने के लिए नादौन चौक से बस अड्डे तक फुटपाथ का निर्माण किया गया था, लेकिन फुटपाथ के स्लैब लंबे समय से टूटे होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे अब राहगीरों को राहत मिली है, जिसके लिए राहगीरों ने चैनल और प्रशासन का धन्यवाद किया है।